इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा पर इस बार हम यूज़ करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ तो ये रहा वो करंट कैरिंग कंडक्टर जिससे कि करंट जो फ्लो कर रहा है ये है आई और एक पॉइंट इससे आर डिस्टेंस दूर वो पॉइंट है इसी प्लेन में अर्थात स्क्रीन के प्लेन में एक पॉइंट वो है P और ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर से R डिस्टेंस दूर है अर्थात ये जो डिस्टेंस है ये है R पर डिस्टेंस हमें पता लगाना है इस P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नेट्यूड कितना होगा तो चूंकि हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटर लॉ तो हमें ड्रॉ करना होगा एक क्लोज्ड बेहतर होगा अगर हम ड्रॉ करें एक सर्कल जिसके सेंटर में हो ये करंट कैरिंग कंडक्टर उससे सिचुएशन आसान होगा हम इसे आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं और जो सर्कल पास करें इस पी पॉइंट से तो ये सर्कल कुछ ऐसा सर्कल होगा इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है ये करंट कैरिंग कंडक्टर और इस सर्कल का जो प्लेन है इस प्लेन पे ये करंट कैरिंग वायर ये है परपेंडिकुलर और इस वायर से आर डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट तो हम कह सकते हैं इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर अब देखिए इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्मली इनवर्ड्स तो मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता हूं यहां पर अगर यही पी पॉइंट यहां पर होता फॉर एग्जाम्पल ये अगर क्यू पॉइंट होता तो यहां मैग्नेटिक फील्ड को मैं ड्रॉ करके आपको समझा सकता था तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता तो उसी तरह से इस पी पॉइंट पे ये होगा नॉर्मली इनवर्ड्स जिसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं तो हमने माना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है बी वन उसी तरह से क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये होगा फॉर एग्जाम्पल ये होगा बी टू पर यहां बी वन बी टू इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा सो so, हम कहेंगे बी वन का मैग्नीट्यूड और बी टू का मैग्नीट्यूड ये सेम होगा रीजन कि P इस करंट कैरिंग वायर से जितना दूर है ये Q पॉइंट भी उतना ही दूर है सो so, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा हम कह सकते हैं इस सर्कल में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें पता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेक्टर डॉट dl ये होता है उस मीडियम का जिस मीडियम में हम इस पूरे सिस्टम को रख रहे हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी तो हम मान रहे ये फ्री स्पेस है तो हम कहेंगे ये है म्यू नॉट अर्थात एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट करेंट थ्रेडिंग थ्रू द कंडक्टर तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करें और वो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी और हम एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर डी एल तो फॉर सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी हम इस बी वन को बी बना देते हैं तो यहाँ भी हम लिखेंगे बी तो ऐसे स्थिति में देखें बी और डी एल के बीच जो एंगल होगा वो होगा ज़ीरो डिग्री सो so, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल पे होगा टेंजेंट अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगा उस पॉइंट में लिए गए उस पॉइंट के आसपास लिए गए एलिमेंट्री लेंथ के डायरेक्शन के बराबर तो इससे आगे हम कहेंगे पी डॉट डी एल इसका क्लोज्ड इंटीग्रल ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इंटू को साइन ऑफ थीटा थीटा होगा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल सो ये होगा जीरो डिग्री सो को साइन ऑफ थीटा होगा वन सो so, इसे हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल सो इससे आगे बी चूंकि हर एक पॉइंट में कॉन्स्टेंट है उसका मैग्नेट्यूड तो हम इस बी को अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम इस इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं तो B इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल सो ये बन गया B इंटू डी एल को अगर इस क्लोज लूप में इंटीग्रेट करें अर्थात जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे हमें एलिमेंट्री लेंथ्स मिलेंगे इन सब को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा इस सर्कल का सरकम्फरेंस तो जिसे हम कहेंगे टू इंटू पाई इंटू आर आर इस सर्कल का रेडियस है और हमें पता है टू पाई आर होता है सर्कल का सरकम सो so, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं ये है इक्वेशन वन सो अगर इक्वेशन वन में हम मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल का जो वैल्यू है जो कि है बी इंटू टू पाई आर इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन वन ये बन जाएगा बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई अर्थात ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका जो मैग्नेट्यूड है बी ये हो जाएगा म्यू नॉट इन आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर इसे हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं म्यू नॉट ओवर फोर पाई तो न्यूमरेटर में आ जाएगा टू आई डिवाइडेड बाई आर और हमें पता है लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास किसी एक पॉइंट में जो पॉइंट आर डिस्टेंस दूर है उस कंडक्टर से और जिस कंडक्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है उस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है म्यू नॉट ओवर फो पाई इंटू टू आई डिवाइडेड बाई आर